अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ेंगे स्टोमेटा। अब देखें, सबसे पहले स्टोमेटा को समझने के लिए हम सबसे पहले थोड़ा सा तारुफ पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। देखिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लीफ की एक स्ट्रक्चर है। मैं लीफ का ये एपिडर्मिस बना रहा हूँ, जबकि ये लोअर एपिडर्मिस है। अब यहाँ पर इसके बीच में जो पेरेंकाइमल सेल्स मौजूद होते हैं, अब पेरेंकाइमल सेल्स यहाँ पर, उन पेरेंकाइमल सेल्स को हम क्या कहते हैं, मीजोफिल सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजोफिल सेल्स कहते हैं। जबकि यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये दूसरे सेल्स हैं, अब मैं ये वाली जो रीजन से ये प्लांट्स की, मैं इसको क्या कहता हूँ, एपिडर्मिस। ये क्या है? एपिडर्मिस, जो आउटर कवरिंग है। जबकि ये दोनों, ये वाले फॉर एग्जांपल ये वाला है, ये भी एक मीजोफिल सेल है। इनको मैं क्या कहूँगा? मीजोफिल सेल्स। और ये भी क्या है? मीजोफिल सेल। जबकि ये वाला है लोअर एपिडर्मस। फॉर एग्जांपल मैं प्लांट्स का ये क्या कह रहा हूँ, ये लोअर एपिडर्मिस। अब देखें, ये जो ऊपर वाले मीजोफिल सेल्स हैं, इन ऊपर वाले मीजोफिल सेल्स को हम क्या कहते हैं? पैलिसेड मीजोफिल सेल्स कहते हैं। और ये जो पैलिसेड मीजोफिल सेल्स होते हैं, ये एक दूसरे के साथ टाइटली यानी क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में स्पेस नहीं होती है। जबकि ये वाले जो नीचे वाले, ये मीजोफिल सेल है, इन मीजोफिल सेल्स को मैं क्या कहूँगा, इनको मैं क्या कहता हूँ, इनको कहूँगा स्पंजी मीजोफिल सेल्स। इनको क्या कहूँगा? स्पंजी मीजोफिल सेल्स, स्पंजी मीजोफिल सेल्स। अब मैं स्टोमेटा को समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब अगर आप देखेंगे कि इस लीफ के दो फेसेस हैं, एक वो फेस है जिसकी तरफ से पैलिसेड सेल है, और दूसरा वो फेस है जिसकी तरफ से स्पंजी मीजोफिल सेल्स मौजूद हैं। तो इसकी बुनियाद पर लीफ के दो किस्म हैं। एक वो होता है लीफ जो मोनोफेशियल कहलाता है। मोनोफेशियल, मोनोफेशियल मतलब क्या कि इसकी दोनों तरफ से, फॉर एग्जांपल इस तरफ से और जहां पर पैलिसेड सेल है, इस तरफ से दोनों तरफ से क्या होते हैं, स्पंजी मीजोफिल सेल्स मौजूद होते हैं। स्पंजी मीजोफिल सेल्स मौजूद होते हैं। जबकि दूसरा जो लीफ होता है वो बायफेशियल होता है। बायफेशियल मतलब उसके दो चेहरे होते हैं। एक तरफ से क्या होता है, पैलिसेड होते हैं, एक तरफ से क्या होते हैं, पैलिसेड्स मीजोफिल सेल्स होते हैं। जबकि दूसरी तरफ से क्या होता है, स्पंजी मीजोफिल सेल्स मौजूद होते हैं। स्पंजी मीजोफिल सेल्स मौजूद होते हैं। अब आप खुद बताएं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ये इसका एपिडर्मिस कह रहा हूँ और ये मैं इसका पैलिसेड कह रहा हूँ, तो ये पैलिसेड तो टाइटली पैक्ड है। तो टाइटली पैक्ड होने की वजह से जो बायोफेशियल लीफ होता है, बायोफेशियल लीफ में जिस तरफ से यानि पैलिसेड मीजोफिल सेल्स मौजूद होते हैं, ये अपर, मैं इसको अपर एपिडर्मिस कह रहा हूँ, तो इस तरफ से अगर पैलिसेड मीजोफिल सेल्स मौजूद हैं तो इसमें यहीं पर कोई ओपनिंग यानी स्टोमेटा नहीं बनेगा। जबकि जिस तरफ से स्पंजी मीजोफिल सेल है, तो इस वजह से इसके अंदर स्पेस मौजूद है, तो इसको, इसलिए मैं इनको क्या कह रहा हूँ, स्पंजी मीजोफिल सेल्स। तो क्या होता है, इस लोअर एपिडर्मिस की तरफ से एक ओपनिंग्स बनती है, एक खाली माइक्रोस्कोपिक खाली जगह बनती है जहाँ से गैसेस का आना और जाना होते हैं, तो ये कहलाती है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा जो मोनोफेशियल लीव्स होते हैं, वो दोनों तरफ से स्पंजी सेल होने की वजह से, जो मोनोफेशियल होगा, दोनों तरफ से स्पंजी सेल होने की वजह से उसके अपर एपिडर्मिस हो या लोअर एपिडर्मिस, दोनों में स्टोमेटा बनते हैं। जबकि जो बायफेशियल लीव्स होते हैं, क्योंकि उसके दो चेहरे होते हैं, यानी एक तरफ से पैलिसेड सेल्स होते हैं जिसकी वजह से वो टाइटली पैक्ड होने की वजह से कोई स्टोमेटा उसके पास उस तरफ से नहीं बनता है। जबकि जो स्पंजी मीजोफिल सेल वाला फेस होता है, चेहरा
क्या होता है, उसकी तरफ से इसके अंदर स्मॉल ओपनिंग्स बनती हैं जहाँ से गैसेस का आना जाना होता है, उन ओपनिंग्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। अब यहाँ पर आपकी जो मैट्रिक की फर्स्ट मैट्रिक ट्यूब की जो बायोलॉजी की किताब में दी गई है, यहाँ पर कौन से लीफ के बारे में बताया गया है, बायोफेशियल लीफ के बारे में बताया गया है। तो अब हम पढ़ेंगे स्टोमेटा। तो स्टोमेटा आपने पढ़ा कि स्टोमेटा एक स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जो प्लांट्स के लीफ के एपिडर्मल टिश्यूज़ के बीच में खाली स्पेस बनती है, जो बिल्कुल स्मॉल माइक्रोस्कोपिक होती है, स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। अब इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा एक माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग है, यानी इतनी छोटी है जिसको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो इस माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। और यहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है, जो हमने पीछे पढ़ा कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के दौरान जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो किसकी मदद से होता है, इन स्मॉल ओपनिंग्स की वजह से होता है, यहाँ पर से होता है। अब ये कैसे बनती है, देखिए ये कहाँ पर बनती है, ये हमारे यहाँ एपिडर्मल लेयर में बनती है। अब एपिडर्मल लेयर के जो सेल्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मल सेल्स कहते हैं। तो कुछ एपिडर्मल सेल्स स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, वो स्पेशलाइज इस तरह कि देखें, अगर आप एपिडर्मल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे तो एपिडर्मल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता है, जबकि कुछ स्पेशल टाइप ऑफ द एपिडर्मल सेल्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। तो उन स्पेशल टाइप ऑफ द एपिडर्मल सेल्स को हम क्या कहते हैं, गॉड सेल्स। तो गॉड सेल्स कौन से सेल्स हैं, एपिडर्मल सेल्स हैं, लेकिन जो सारे के सारे एपिडर्मल सेल्स हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ गॉड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, जिसके अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से वहाँ पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस भी होता है। अब ये गॉड सेल्स की मदद से, गॉड सेल्स के बीच में जो टू गॉड सेल्स होते हैं, उन टू गॉड सेल्स के बीच में एक खाली स्पेस बनती है, उस खाली स्पेस को हम नाम देते हैं स्टोमेटा। अब ये खाली जगह किस तरह बनती है, मैं इसका थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूँ। अब पहले मैं इसको गॉड सेल्स की थोड़ी सी आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताऊँ। देखें ये मेरे पास गॉड सेल है, अब ये इसकी क्या है, क्योंकि ये प्लांट सेल है तो ये क्या कहलाएगी, इसकी सेल वॉल। जबकि ये वाले, ये जो आपको ग्रीन कलर के डॉट्स नज़र आए, मैं इनको क्या कहूँगा, क्लोरोफिल। ये क्या है, क्लोरोफिल। जबकि ये वाला जो है इसको क्या है, ये है वैक्यूल। और यहाँ पर ये जो मौजूद है इसको क्या कहूँगा मैं, न्यूक्लियस। तो इसी तरह यहाँ पर भी, अब अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसकी जो इनर वॉल है वो इनर वॉल क्या होती है, थोड़ी सी थिक होती है। अब अगर आप इसकी देखेंगे कि जो इनर वॉल है वो थिकर होती है, ये बिल्कुल थिक होती है। और जबकि ये जो आउटर वॉल है, तो मैं इसको क्या कहूँगा, ये इनर वॉल क्या है, इसकी इनर वॉल इज थिकर। जबकि इसकी जो आउटर वॉल है, ये आउटर वॉल ये वाली, ये क्या होती है, थिन होती है। पहली बात तो क्या होती है, बिल्कुल थिन होती है, और इसके अंदर लचक भी होती है, इलास्टिसिटी भी होती है। अब यहाँ पर ये स्टोमेटा, ये क्लोज्ड है, ये क्या है, ये क्लोज्ड स्टोमेटा है। तो यहाँ पर ये गॉड सेल एक दूसरे के साथ इस तरह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं कि इनके बीच में कोई खाली जगह नहीं है, तो इसलिए मैं इस ओपनिंग, यानी यहाँ पर कोई ओपनिंग नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसको क्या कहूँगा, क्लोज स्टोमेटा कहूँगा। अब यहाँ पर ये स्टोमेटा किस तरह, यानी इसके बीच में स्पेस किस तरह बनती है, देखें अगर आपने पढ़ा है कि हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो देखें यहाँ पर क्या होता है, टर्जर प्रेशर डेवलप होता है। अब किस तरह, देखें क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, तो क्लोरोप्लास्ट की वजह से यहाँ पर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। जब फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या बनेगा,
ग्लूकोस। अब ग्लूकोस क्या है? एक सॉल्यूट है। तो इस यहाँ पर क्या होता है, दिन के वक्त जब फोटोसिंथेसिस होने की वजह से हम कहते हैं कि स्टोमेटा दिन के वक्त बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दिन के वक्त यहाँ पर इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, तो क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, ग्लूकोज पैदा होगा। तो ग्लूकोज ज़्यादा बनने की वजह से यानी सॉल्यूट इस सेल के अंदर ज़्यादा हो जाएगा। जब सॉल्यूट अंदर ज़्यादा हो जाएगा तो इस कंडीशन को मैं क्या कहूँगा, हाइपरटोनिक। यानी गार्ड सेल के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड, जबकि इस गार्ड सेल के बाहर सॉल्यूट कम होगा और पानी ज़्यादा होगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, पानी इंडो ऑस्मोसिस की सूरत में, इंडो ऑस्मोसिस यानी पानी क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, यानी पानी फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरफ से बाहर की तरफ से पानी, बाहर की तरफ से पानी बहुत ज़्यादा है जबकि सॉल्यूट कम है, और इसके अंदर ग्लूकोज ज़्यादा बनने की वजह से यहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा हो जाएगा जबकि पानी कम हो जाएगा, क्योंकि दिन का वक्त है, फोटोसिंथेसिस होगा, तो ग्लूकोज ज़्यादा बनने की वजह से इसके अंदर सॉल्यूट ज़्यादा होगा। तो पानी यहाँ पर ज़्यादा है जबकि इसके अंदर कम है, तो पानी बाहर से अंदर की तरफ आएगा। जब बहुत ज़्यादा पानी आएगा तो इसके अंदर क्या डेवलप होगा, टर्जर प्रेशर। पानी ज़्यादा आने की वजह से अंदर प्रेशर डेवलप होगा। जब प्रेशर होगा, क्योंकि ये सेल वाल है तो ये सेल रप्चर तो नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, इसकी जो थिन वाल है, ये थिन वाल ये इलास्टिक है, तो पानी की वजह से, इसके अंदर ज़्यादा पानी की वजह से ये थिन वाल बाहर की तरफ से ज़्यादा खींची जाती है। जब बाहर की तरफ खींची जाएगी तो ये इनर वाल भी इसकी तरफ इस तरह यानी बेंड बेंड हो जाएगी, ट्रेडी हो जाएगी। अब ये किस तरह, देखिए, जब इसके अंदर पानी ज़्यादा आएगा तो पानी ज़्यादा आने की वजह से इस स्टोमेटा की जो आउटर वाल है वो क्या हो जाएगी, इलास्टिक होने की वजह से बाहर की तरफ मुड़ जाएगी, ज़्यादा खींच, तो इसकी वजह से ये बीच इसका इधर से इस तरफ खींच जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ओपनिंग बन जाती है, उस ओपनिंग को नाम देते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा कैसे, यानी गार्ड सेल के बीच में ये जो स्पेस बनती है वो किस तरह बनती है, जब क्या होता है, इस गार्ड सेल्स के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, टर्जर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से। और उस टर्जर प्रेशर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर इंडोस्मोसिस हो रहा है, और इंडोस्मोसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, तो फोटोसिंथेसिस की वजह से बहुत ज़्यादा ग्लूकोस बनेगा। जब ग्लूकोस ज़्यादा बनेगा तो गार्ड सेल की कंडीशन कौन सी हो जाएगी, हाइपरटोनिक कंडीशन हो जाएगी, यानी इसके अंदर सॉल्यूट बहुत ज़्यादा होगा जबकि पानी कम होगा, तो पानी बाहर से अंदर की तरफ आएगा। जब पानी बाहर से अंदर की तरफ आएगा तो इसकी वॉल्स पर पानी का प्रेशर डेवलप होगा, जिसकी वजह से ये जो सेल वाल है आउटर, ये जो आउटर वाल है ये इलास्टिक होती है, तो ये बेंड हो जाती है और इस बीच वाली को भी बाहर की तरफ खींचती है, जिसकी वजह से खाली जगह बन जाती है, जिसका नाम होता है, जिस इस ओपनिंग का नाम होता है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो खुद बनी हुई है। स्टोमेटा क्या है, बस इस गार्ड सेल को बीच में जो खाली जगह बनती है टर्जर प्रेशर की वजह से, ये ओपनिंग कहलाती है स्टोमेटा। अब इसी स्टोमेटा की मदद से जब दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इन होती है और ऑक्सीजन बाहर जाती है, जबकि रिस्पायरेशन के वक्त ऑक्सीजन इन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। तो ये गैसीयस एक्सचेंज किसकी मदद से होता है, इस स्टोमेटा की मदद से होता है, और स्टोमेटा एक ओपनिंग है जो इस गार्ड सेल के टर्जर प्रेशर होने की वजह से बनती है।